आज का हमारा टॉपिक है कृषि प्रसार की या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, प्रसार मतलब समझते हो, प्रसार मतलब उसका फैलाव, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। कृषि प्रसार की का मतलब भी यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है या चीजें हैं उनको लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना कहलाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। देखिए एक्सटेंशन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? लेटिन भाषा से लिया गया है और जिसका सबसे पहले उपयोग किया था यूएसए ने। किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक्सटेंशन के जो पिताजी हैं उनका नाम है जेपी लीगन्स। क्या नाम है? जेपी लीगन्स। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कौन है? जेपी लीगन्स। भारत में एक्सटेंशन शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले सन 1956 में हुई थी, बिहार के सावर भागलपुर से। कहाँ से हुई थी? बिहार में एक जगह है सावर भागलपुर, वहां से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है या एक्सटेंशन जो एजुकेशन है उसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। ठीक है, तो भारत के अंदर एक्सटेंशन एजुकेशन कब शुरू हुआ? 1956 में। कहां से हुआ? बिहार के सावर भागलपुर से। ठीक है, आगे अगला शब्द है, एक दिख रहा होगा आपको, डेमोस्ट्रेशन। क्या नाम है? डेमोस्ट्रेशन। देखिए डेमोस्ट्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रदर्शन। क्या बोलते हैं? जैसे हमने उधर देखा था डेमो का नाम तो सुना ही होगा ना, डेमो। डेमो मतलब क्या होता है भाई? तो डेमोस्ट्रेशन को हम बोलते हैं हिंदी में प्रदर्शन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रदर्शन। ठीक, तो डेमोस्ट्रेशन या प्रदर्शन से संबंधित देख लेते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन का अर्थ होता है करके दिखाओ। क्या होता है? शोइंग बाय डूइंग। क्या है? शोइंग बाय डूइंग, करके दिखाओ। अब एग्रीकल्चर में ज्यादातर यही चीज होती है, तुम किसी से कितना भी बोलो वो विश्वास नहीं करेगा। वो विश्वास तब कर लेगा आप करके दिखा दो कोई भी काम। जैसे आप उससे बोल रहे हो, किसी फार्मर से ही बोलोगे जाके कि भाई आप एग्रीकल्चर की कोई न्यू टेक्नोलॉजी आप बताओगे कि अडोप्ट कर लो तो आपको फसल में आपको बेनिफिट होगा, तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि उसको क्या चाहिए है? डेमोस्ट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए है? जैसे ही आप डेमोस्ट्रेशन बताओगे वो आपको भक्त हो जाएगा, आपकी हर बात माने लगे। ठीक है, होता है कि नहीं? किसानों में फर्क होता है, कोई अच्छे किसान ने कोई अच्छी खेती करी है, कोई अच्छी वैरायटी लेके ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, तो अगली बार किसान उसके पास जाके कह दे कौन सी वैरायटी लगाई हमें भी दे, अगली बार से वो भी लगाने लगेंगे। तो यही होता है, उसको चाहिए डेमोस्ट्रेशन। उसने देखा है कि आपने फील्ड पे लगाया था और पैदा भी उसके सामने लिया है, तो फिर वो आपको फॉलो करेगा। डेमोस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी 1965 में। कब हुई थी? डॉक्टर सीमेन ए नेप, वैज्ञानिक का नाम है सीमेन ए नेप। क्या नाम है? सीमेन ए नेप को डेमोस्ट्रेशन के जनक या पिताजी कहते हैं। फादर ऑफ डेमोस्ट्रेशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर सीमेन ए नेप। किस वैज्ञानिक का नाम क्या है? सीमेन ए नेप। ठीक है, इतना आप याद रखना। शुरुआत कब हुई थी? 1965। अरे भैया 1965 में हुई थी दादा। ओ दादा, ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे हम देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान। 5 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर प्लान। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब आई थी? तो पहली पंचवर्षीय प्लान कब आया था? 1951 से 1956 के बीच में। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1956 से 61 के बीच। तीसरी कब हुई थी? 61 से 66 के बीच। चौथी पंचवर्षीय योजना 69, 1969 से 1974। पांचवी 1974 से 1979। छठवीं 1980 से
1985 सातवीं 1985 से 1990 और आठवीं आठवीं कब हुई थी? दो साल बाद। ठीक है, तो अगली आठवीं हुई थी 92 से 97 और नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, दसवीं 2002 से 7, ग्यारहवीं 2007 से 12 और बारहवीं 2012 से 17। अभी कौन सी चल रही है? हाँ, कौन सी चल रही है? वेरी गुड। ये कब से कब तक चलेगी? अरे भैया, फिर पंचवर्षीय प्लान है, बोले पता नहीं है, 5 ईयर प्लान है। आने वाली है। अरे भाई, 17 से 5 17 में 5 जोड़ोगे कितना होगा? हाँ, तो कब तक चलेगी? वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय प्लान चल रहा है? 13वां। 5 साल का एक प्लान बनाया जाता है कि क्या क्या करना है, जैसे एग्रीकल्चर के से रिलेटेड बना लिया कि 5 सालों में, जैसे बोलते नहीं है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, पंचवर्षीय में प्लान बनाया है कि 22 तक कर देंगे, समझ रहे हो? तो ये वाली पंचवर्षीय में हो जाएगी, अब होती है कि नहीं होती वो अलग बात। अरे ठीक है, अपन उसको नहीं बोल। देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ सबसे कम थी, ध्यान रखना, ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में अगर देखें सबसे कम किसमें थी? तीसरी वाली में, और सबसे ज्यादा किसमें थी? ग्यारहवीं में, ध्यान रखना, ग्यारहवीं में सबसे अधिक थी ग्रोथ रेट और तीसरी में क्या थी? सबसे कम थी। ठीक, और तीसरी पंचवर्षीय प्लान कब हुआ था? 1961 से 1966। ये भुखमरी वाला टाइम था, उसी टाइम 66 में हरित क्रांति आई थी, फिर एकदम से ग्रो कर गया। अब आगे देख लेते हैं, भारत में ग्रामीण कल्याण संबंधी कुछ प्रसार के कार्यक्रम चलाए गए थे, ये देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में ग्रामीण कल्याण संबंधी प्रसार कार्यक्रम थे, इसमें पहला कार्यक्रम का नाम है सहकारिता। ये क्वेश्चन आया था इस बार, याद है? सहकारिता, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता कार्यक्रम या आंदोलन, ये सन 1904 में शुरू किया गया। कब किया गया था? इससे संबंधित व्यक्ति है एफ निकोलसन। कौन है? ये फादर ऑफ कोऑपरेशन पूछा था इस बार, एफ निकोलसन। ठीक है, अगला है गुड़गांव प्रोजेक्ट, कौन सा है? सनवाइज है, आपको ईयर भी याद रखना है और उससे संबंधित व्यक्ति भी याद रखना है, दोनों चीजें याद रखना है। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 में लागू किया गया था, आया था कब? आया था 1920 में। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? एफ एल ब्रायने। कौन है? एफ एल ब्रायने। अगला प्रोजेक्ट है श्री निकेतन, क्या नाम है? ये कब आया था? 1921 में। रविंद्रनाथ टैगोर, इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? सेवाग्राम, सेवाग्राम 1927 में लागू हुआ या आया था ये प्रोजेक्ट, और इससे रिलेटेड ये एम के गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट चलाया था सेवाग्राम। अगला प्रोजेक्ट है मार्थेंडम प्रोजेक्ट, कौन सा है? मार्थेंडम प्रोजेक्ट, ये कब आया था? 1928 में। इससे संबंधित व्यक्ति का नाम है स्पेंसर हेज, स्पेंसर हेज। अगला प्रोजेक्ट है अधिक अन्य उपजाऊ अभियान, अधिक अन्य उपजाऊ अभियान, ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाओ अभियान था, ये कब लॉन्च हुआ था? 1942 में ये आया था। अब इसका
ये तो सभी ने करा था अधिकांश उपजाऊ। ठीक है, ये आगे है फिरका विकास प्रोग्राम। फिरका विकास प्रोग्राम 1947 में आया था। कब आया था? इसको मद्रास गवर्नमेंट लाई थी। कौन लाई थी? मद्रास गवर्नमेंट, मद्रास चेन्नई को ही पुराना नाम था। ठीक है, एक और अगला प्रोजेक्ट है नील खेड़ी प्रोजेक्ट। नील खेड़ी प्रोजेक्ट ये भी 1947 में आया था, जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे ये दोनों चल रहे थे। फिरका विकास प्रोग्राम, नील खेड़ी प्रोजेक्ट, ये कौन लाया था? SKD, SKD। SKD, ठीक है। चलिए, 8 प्रोग्राम हो गए हैं, अभी आगे और भी प्रोग्राम है, उसको हम कंटिन्यू देखने वाले हैं। ऐसे मत करो, ये अपने को ही पढ़ना है, भागना नहीं है, हम हैं आपके साथ, हम आपसे पूछते रहेंगे टाइम टू टाइम। बहुत सारे हैं, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, बहुत कम है, 45 के एक बार अभी याद हो गए, आधे घंटे। अगला है IVS, IVS इंडियन विलेज सर्विस, इंडियन विलेज सर्विस 1948। कब आया? 1948। संबंधित व्यक्ति WS फिशर, क्या नाम है? WS फिशर, बिशर। अगला है, अगला प्रोजेक्ट इटावा अग्रगामी प्लान, इटावा अग्रगामी योजना। इटावा अग्रगामी योजना भी 1948 में आया था। कब आया था? 1948। एल्बर्ट मेयर, संबंधित व्यक्ति एल्बर्ट मेयर। अगला है विश्व खाद्य संगठन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1948 में स्टेबलाइज हुआ, स्थापना हुई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का खाद्यान्न संगठन है FAO। ठीक है, तो ये बीच में आ गया है, लेकिन ये कोई प्रोजेक्ट नहीं था, प्रोजेक्ट ही है लेकिन वर्ल्ड लेवल पे है। ठीक है, अगला है योजना आयोग, जिसका नाम अभी बदल के कर दिया है नीति आयोग। ठीक है, अभी वर्तमान में इसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहा करते थे, है ना। योजना आयोग, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में कौन है? ठीक है, हाँ, नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग की बात कर रहे हैं। ये तो 2015 समथिंग इसको नीति आयोग बनाया गया था, नाम चेंज करा था इसकी। वैसे रियल में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अब हुई थी 1950, किसने करी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार। अगला योजना सर्वोदय योजना, कौन सी है? सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना भी 1950 में लाई आई थी। ठीक है, तो सर्वोदय योजना 1950 में किसने लाई, लाया गया था, किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना अभी पढ़े थे हम पूरी। पंचवर्षीय योजना कब? 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था पहला 1951 से स्टार्ट हुआ था, किसने किया था? भारत सरकार। अगला है भूदान आंदोलन, कौन है? हाँ, भूदान आंदोलन चलाया गया था 1951 में। कब चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे, विनोबा भावे। सर्वोदय योजना भी किसने चलाई? विनोबा भावे। ये 1950 में थी, एक साल बाद भूदान आंदोलन भी चलाया गया। फिर था ग्राम दान आंदोलन, ग्राम दान आंदोलन, ये 1952 में कब स्टार्ट हुआ था? 1952। ये भी किसने चलाया था? विनोबा भावे, विनोबा भावे। ठीक है, इसके बाद अगला है सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम या प्रोजेक्ट। ये कब आया था? 1952। ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है। 1952 किसने चलाया था?
भारत सरकार ने, किसने चलाया था? भारत सरकार। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, तो ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब लागू की गई, स्टार्ट हुआ था 1953 में, कब हुआ था? 1953, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा भारत में कब स्टार्ट हुई, अभी पढ़े थे हम, अरे 1956, बिहार सावलपुर सावर भागलपुर 1956, ये देखो वही लिखा है, बिहार लिखा है, ये बिहार है सावर भागलपुर। अगला है नारागढ़ कमिटी रिपोर्ट है, ये नारागढ़ कमिटी रिपोर्ट 1958 में आई थी और ये भी भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आगे है आईएडीपी, आईएडीपी 1960-61 में इसको लाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1960-61। बोलो, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा हाँ ई आएगा यहाँ, एन ई एस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो हमारे 20-21 हो गए हैं, ठीक है। अब आगे के प्रोजेक्ट भी हम देख ही लेते हैं और खत्म करते हैं। चलिए देख, आईएडीपी कब हुआ था लागू? 1960-61 में भारत सरकार के द्वारा हुआ था। इसके बाद है पंचायत राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है जिसके तहत ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं सरपंच के, 1958 में, कब आया था? 1958, भारत सरकार लाई थी इसको भी, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। आगे है राष्ट्रीय बीज निगम, कौन है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एनएससी, क्या बोलते हैं? एनएससी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। ये कौन लाया था? ये भी भारत सरकार। ये पूछ लेता है एनएससी की स्थापना कब हुई, 1963, याद रखना। आगे है नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, एनडीपी प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम 1965 में हुआ था डेमोस्ट्रेशन, अभी हम पढ़े थे इससे, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगला है HYBP, HYBP प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम होता है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, इसको हम बोलते हैं अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, ठीक है। तो ये लगभग हरित क्रांति आई थी उस टाइम पे चलाया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम पे, 1966 से 67, इसी टाइम में हरित क्रांति आई थी, ठीक है, ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम है, 66-67, ये भी आपको याद रखना है। तो उस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? HYVP, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है। ये किसके द्वारा चलाया गया था? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जो भारत सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको चलाया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था पहले वो, अभी कृषि विकास एवं कृषि कल्याण नाम हो गया है वर्तमान में। और आगे है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको हम RRB बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार। 20 पॉइंट प्रोग्राम, कौन सा? 20 पॉइंट, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया था, ये भी कब आया था? 1975 में, इंदिरा गांधी के द्वारा, ये उस टाइम पे इंदिरा जी थी प्राइम मिनिस्टर। फिर अगला जो कार्यक्रम है ये है लैब टू लैंड, मतलब लैब मतलब होता प्रयोगशाला, प्रयोगशाला से लैंड मतलब भूमि तक या खेत तक, प्रयोगशाला से खेत तक एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य था, बताएंगे हम अभी, कब लाया गया था? यह 1969 में, ये हाँ 1979 में, ठीक है,
1979 में आईसीएआर के द्वारा लाया गया था, लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप याद रखना, फिर मैं बता देता हूं दोबारा से। आईसीआर के द्वारा लॉन्च किया गया था और आईसीआर की स्वर्ण जयंती पर लॉन्च किया गया था। कौन सी? स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो आईसीआर की स्थापना कब हुई थी भैया? 1929 को। तब 1929 से ये कितना डिफरेंट आ रहा है? 50 साल। 50 साल में ही मनाते हैं गोल्डन जुबली। कितने साल में? 50 साल। तो भाई गोल्डन जुबली ईयर तो यही होगा 29। तो गोल्डन जुबली ईयर के उपलक्ष्य में कौन सा कार्यक्रम आईसीआर ने लॉन्च किया था? लैब टू लैंड प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं प्रयोगशाला से खेत तक प्रोग्राम। ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि लैब में जो साइंटिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर, वो जो जो भी अपनी नई खोज करते हैं उसको कहाँ तक पहुंचाना? खेत तक डायरेक्ट पहुंचाना, किसान तक पहुंचाना, ताकि वो भी अपना विकास कर सके या वो जो टेक्नोलॉजी है वो उस तक पहुंच सके, ठीक है। इसलिए ये प्रोग्राम चला। आगे है एक प्रोग्राम का नाम है ट्राइसेम। क्या नाम है? ट्राइसेम। ये ट्राइसेम प्रोग्राम 1979 में चलाया गया था। इसको भी कब चलाया गया था? 1979 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आगे आप जानते हैं नाबार्ड। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी, भारत सरकार के द्वारा हुई थी। एक प्रकार का बैंक होता है नाबार्ड, ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है किसानों के लिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, अब याद रखना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आगे आगे देख लीजिए, अगला जो प्रोग्राम है हमारा कौन सा है? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना, जिसको अभी अपडेट करके क्या कर दिया उसका नाम? प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। पहले ये उसी नाम से लॉन्च हुई थी, इंदिरा आवास योजना। उस टाइम पे 1986 कब हुआ था स्टार्ट? 1986 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ था। और फिर अगला है प्राथमिक फसल बीमा योजना। प्राथमिक फसल बीमा योजना 1985 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1985 में भारत सरकार के द्वारा हुआ थी। फिर हुआ राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। राष्ट्रीय राष्ट्रीय फसल बीमा योजना 1999 में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता, ध्यान रखना। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुआ? 1999। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। फिर आया केवीके। केवीके का फुल फॉर्म होता है कृषि विज्ञान केंद्र। क्या होता है? कृषि विज्ञान केंद्र। ये कब लॉन्च हुआ? 1974 में, 1974 में मोहन सिंह मेहता कमेटी थी। ठीक है, 1974 में पहला केवीके खोला गया था पांडुचेरी। कहाँ खोला गया था? पांडुचेरी। तो आपसे पूछ ले तो याद रखना। आगे है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 जुलाई 1969 में कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 भारत सरकार के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। अगला कार्यक्रम है मिड डे मील। कौन सा है? ये तो सुना ही होगा आपने, स्कूलों में चलता है मिड डे मील। 1995 भारत सरकार लाई थी मिड डे मील। इसके बाद एस जी एस वाई,
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसका पूरा नाम क्या है? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ये कब लाई गई थी? 1999 में लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत गांव गांव में सड़कें बिछाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है, तो 2000 में कब लॉन्च हुई थी? 2000, उस टाइम पे अटल बिहारी जी थे प्रधानमंत्री, भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार, इसके द्वारा गांव गांव में आज सड़कें हैं। फिर उसी की तरफ पर एक मुख्यमंत्री वाली आई थी। अगला है खेती हर मजदूर बीमा योजना, कौन सी है? खेती हर मजदूर बीमा योजना 2001-2 में आई, कब लॉन्च हुई थी? 2001, किसके द्वारा? भारत सरकार। अगली योजना है नरेगा, कौन सी है? नरेगा, ये 2006 में आई थी, 2006 में लॉन्च हुई थी नरेगा, भारत सरकार के द्वारा हुई थी। ये अभी इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया है। हाँ, तो चलिए इसमें NFSM, अगला कौन सा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, क्या नाम है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में आया था, कब आया था? 2007 में, भारत सरकार के द्वारा आया था। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो आपके टाइम की है, अभी की वर्तमान की योजना है, प्रधान प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री पीएम के वी वाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 में भारत सरकार के द्वारा, पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। फिर अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कौन सा है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 2015 में आई थी भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें तो आपके खाते भी खुले होंगे सबके, फ्री में निःशुल्क, 9 मई 2015 को लॉन्च हुई, कब हुई थी? भारत सरकार के द्वारा। हाँ, अगला और आखिरी है प्रधानमंत्री ग्राम उदय से भारत उदय, प्रधानमंत्री ग्राम उदय से भारत उदय योजना, ये लॉन्च हुई थी 24 अप्रैल 2016, इसको भी भारत सरकार ने लॉन्च किया। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ नहीं है, मात्र 45 है जो कि आराम से याद हो जाएंगे, और क्या, एक बार दो बार पढ़ने में, तीन बार पढ़ने में हो जाएंगे, चार बार हो जाएंगे, चार पांच बार पढ़ोगे तो याद हो, कितना सरल है, कल सुना भी दोगे। बस बस एक दो लाइन तो और बची, इसको और कर लेते हैं, बाकी तो आप समझदार हो, कर ही लोगे। इफ्को है इसका फुल फॉर्म क्या है? इफ्को का नाम तो सुना ही होगा, इफ्को का पूरा नाम क्या है भैया? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, बहुत बड़ा नाम है। तो इसका पूरा नाम तो याद हो गया है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया इफ्को की? 3 नवंबर 1967 को, 1967 को। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एक और है नाफेड करके, क्या है? नाफेड, इसका पूरा नाम भी याद रखना है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये उसका ही भाई है, कम नहीं पड़ रहा है नाम इसका, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? 2 अक्टूबर 1958, इसकी पहले हो गई थी 58 में। ठीक है, उसकी